हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मरीम खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना एक ट्रिप, ठीक है। मैं सुबह सुबह उठी, मैंने फटाफट बनाई चाय, चाय बनाने के बाद भी मैं निकल गई तैयार होके फैसलाबाद के लिए। आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फिर किस चीज़ का बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दूँ, ठीक है। मैंने फटाफट थोड़ी दूर घर से चल के पकड़ा रक्षा रिक्शा पकड़ने के बाद भी मैं बैठी हूँ बस में। बैठने के बाद मुझे मिल गई विंडो वाली सीट। इतना आसान नहीं है भाई, मुझे विंडो वाली सीट नहीं मिली। खैर, फिर विंडो वाली सीट मुझे एंड पे मिली। फिर हम पहुँचे फाइनली फैसलाबाद। पहले मेरा विजिट था यूनिवर्सिटी, मैं गई सीधा अपनी यूनिवर्सिटी, सीधा बस से उतर के सीधा मैं यूनिवर्सिटी पर जी। ऐसा नहीं था, मेरा कज़न पिक करने आया था, वो मुझे यूनिवर्सिटी लेके गया। वहाँ जाके जो मेरा काम था वो करवाया, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर मैं गई घर जाके मैं बच्चों से मिली। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती भाई, आखिर ये बच्चे अल्लाह की कौन सी मखलूक होते हैं। अब ये जुहान है, ये मेरा भतीजा है, मुझे कोई ये बता दे ये चीज़ें मैं देख के कर क्या रहा है, मुझे नहीं समझ आई। क्या तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हर जुहान से मिलने के बाद हम चले गए बच्चों के लिए चीज़ें मिजियाँ लेने के लिए, क्योंकि बगैर चीज़ें मिजियों के बच्चे खाला को लिफ्ट भी नहीं कराते। उसके बाद मैं आगे अपनी कज़न की तरफ, ये है जी मेरा भांजा, अब इसके तमाशे देख लो। सेम समझ नहीं आती यार, क्या सीन है। उसके बाद फाइनली रात को मैं गई अपनी बहना की तरफ, ठीक है। वहाँ पे गई हूँ, वहाँ पे जाके भी मैंने मस्ती करी। और ये लो जी, ये रहा मेरा भांजा, वन एंड ओनली माई भांजा। और यार ये क्या बंदा यार, मुझे समझ नहीं आ रही। अब ये बिला वाजा कुर्सी लेके इधर उधर भागी जा रहा है, कुछ ना कुछ इसने करना है, कुछ ना कुछ शोर शराबा इसने मचाना है। मतलब सारा दिन बच्चों के ये उल्टे पुलटे तमाशे देख के मैं सोचने में मजबूर होगी, या अल्लाह इंसान के बच्चे हैं या बांदर के। तो खैर, उसके बाद भाई हम लोग निकल गए रात को बाहर आउटिंग पे, ठीक है। तो जो ड्राइव कर रहे हैं वो मेरे जीजू हैं, जीज़ ओके, तो ये मेरे जीजा जी हैं भाई। तो भाई कर रहे थे ड्राइव, फिर हम चले गए बाहर घूमने फिरने के लिए। उसके बाद मुझे और बोरियत हुई, तो मैंने अपने भांजे को पकड़ा और उसको बिठाया मोटरसाइकिल पे, ब्रम ब्रम करके फिर हम लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए। फिर हम गए फैसलाबाद के घंटाघर, वहाँ पे जाके हमने कुछ चीज़ें देखी। उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले गए, फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की खाने के लिए, खाना पीना अपना लेके हम लोग आ गए भाई वापस। उसके बाद सारा ये कुछ हमारा सारी रात चलता रहा, मेरे दो दिन का टूर था। उसके बाद मैं अगले दो दिन बाद सुबह का नाश्ता किया मैंने बाहर से, और मेरे कज़न ने मुझे ड्रॉप कर दिया वापस बस स्टैंड पे। और मैं फिर बैठ के अपनी बस पे खिड़की वाली सीट पर बैठ के अपने ख्यालों में चली गई, और वहाँ पर बैठ के बस दुखी दुखी गाने सुनती रही। और बस सफ़र करते 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 मेरा वापस शहर आ गया, ठीक है। मैं आ गई अपने शहर वापस, और आ रही थी ना जब मैं भाई, जब मेरी बस यहाँ से गुजरी ना, ये है मेरा पंजाब कॉलेज UCP यार, जिसने यहाँ से ग्रेजुएशन किया ना, सलाम है उसको, ज़िंदगी बर्बाद है। खैर, UCP पहुँच के मेरा तो इतना लाइफ ख़राब हो गया, मेरा। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना, और मेरे चैनल मरीम खान की दुनिया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, अब मैं करूँगी आराम, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।